अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय की एक और बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय कविता चौबे मैम हैं और आज हम वन हमारी जीवन रेखा के ऊपर एक बहुत ही अच्छी लर्निंग देखने जा रहे हैं। हमारी यह लर्निंग शुरू हो उसके पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी विज्ञान विषय के एक्सपर्ट माननीय कविता चौबे मैम एवं आप सभी विषय के जिज्ञासु विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे स्लोगन के साथ आइए इस वंडरफुल लर्निंग के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करें माननीय कविता चौबे मैम। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार हम सभी अपने घरों में रहते हैं, उसी प्रकार जानवर कहाँ रहते हैं? जानवरों का घर क्या है? जानवर रहते हैं जंगलों में, है ना? तो आज का जो हमारा विषय है वो जंगल अर्थात वन है। आपको चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। चिपको आंदोलन क्या था? एक प्रोजेक्ट के तहत वहाँ उत्तरांचल राज्य में एक चवौली गांव है, वहां पे एक प्रोजेक्ट के तहत वनों की कटाई होनी थी, पेड़ पौधे काटे जा रहे थे। तो वहां के जो आदिवासी लोगों थे उन्होंने इस पेड़ों के कटने का विरोध किया और वो जब लोग वहां पे पेड़ काटने के लिए आए तो वो लोग जो आदिवासी लोग थे वो वृक्षों से लिपट गए और उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया। तो इस कारण इस जो आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया, क्योंकि वो वनों के महत्व को जानते हैं, जानते थे, पेड़ पौधों की उपयोगिता को जानते थे, इसलिए उन्होंने पेड़ को कटने से रोका। और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल जी बहुगुणा थे। तो आज जो हमारा विषय है वन हमारी जीवन रेखा, आज हम इस अध्याय 17 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीवन रेखा क्यों कहा गया है वनों को? आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि वन क्या है। अध्याय 17 है, वन हमारी जीवन रेखा। वन को जीवन रेखा क्यों कहा गया है इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन क्या है। वन क्या है? एक ऐसे स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसको बोलते हैं वन। जहां पर बहुत बहुत सारे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, इन सब से मिलकर बनता है वन। वन क्यों जरूरी है? आज हम जो ये वन हमारी जीवन रेखा पढ़ेंगे अध्याय, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इनको बचाना या इनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है, खाद्य श्रृंखला क्या है, और जो वन है वायुमंडल में, जो वातावरण में या पर्यावरण को संतुलित कैसे रखते हैं, आज हम इस अध्याय के अंतर्गत इन सब की जानकारी एकत्रित करेंगे। तो हम देखते हैं कि वन क्यों उपयोगी है, वन में क्या क्या होता है। वन के अंतर्गत हम देखेंगे कि वन में क्या क्या होता है। मान लीजिए वन, ये एक वन का, देखिए वन में बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं। वन में जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत सघन और घने होते हैं। तो सघन और घने होने के कारण क्या होता है, हम इन सब चीजों की जानकारी एकत्रित करेंगे। ये मान लीजिए वन है, वन में क्या है, पेड़ पौधे, जीव
जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों से बना तंत्र क्या कहलाएगा? वन, पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों से बना तंत्र क्या कहलाएगा? वन। वन में और क्या होता है? वृक्ष, झाड़ियां एवं शाखे। वृक्ष क्या होते हैं? जो कि बहुत ऊंचे, जिसके जो तने हैं बहुत मोटे और कठोर होते हैं और जिनकी ऊंचाइयां अधिक होती हैं, वो हो गए वृक्ष। झाड़ियां जो कि कटीली होती हैं, वृक्ष में क्या आ जाएगा? आम, नीम, पीपल, ये सब वृक्ष के उदाहरण है। बात ये सब क्या है? ये है वृक्ष। झाड़ी में क्या आ जाएगा? गुलाब का पौधा देखा आपने, गुलाब का, जिसमें बहुत पतली पतले तने होते हैं और उसमें कांटियां, कांटे पाए जाते हैं। गुलाब हो गया, जासून हो गया, बोगनवेलिया, ये सब झाड़ियां। शाखे, जिनके तने बहुत मुलायम और कोमल होते हैं और इनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं होती। शाखे जैसे घास वगैरह हो गया। तो वन के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव जो से बना हुआ तंत्र है वो है वन कहलाता। वन में वृक्ष, झाड़ियां और शाखे पाई जाती है। और वन में क्या होता है? आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। वनों में आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, जो पूरी तरह से इधर वन पर ही निर्भर रहती हैं। जो भी है वो अपने जो जीव को उपार्जन करते हैं वो इन्हीं वनों के माध्यम से करते हैं। वनों में और क्या होता है? जो वृक्ष या झाड़ियां पाई जाती हैं वो विसर्पी और आरोही होती हैं। वनों में पाए जाने वाले पौधे विसर्पी और आरोही होते हैं। विसर्पी का मतलब होता है जो कि रेंग कर चलते हैं। आरोही, जिनको बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती, मतलब दूसरे पौधे की सहायता से ये बढ़ते हैं। जैसे अमरवेल वगैरह, वो क्या करते हैं? तने, दूसरे पौधे पेड़ के तने का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो उसमें जो पाए जाते हैं वनों में पौधे, वो विसर्पी और आरोही भी होते हैं। अब वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान, शीशम, नीम, पीपल, चंदन आदि, आम, बबूल, बहुत कई तरह के वहां पर वृक्ष पाए जाते हैं वनों में। अब इन वृक्षों का क्या उपयोग होता है, कहाँ पर इनका उपयोग होता है, हम आपको जब इसके वन उपज के बारे में बताएंगे तब इसके बारे में आपको समझाएंगे। और वन क्या होता है? वन कैसे होते हैं? सघन और घने। सघन यानी मतलब पास पास होते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे और घने होते हैं। तो जो वन क्या हो गया, वन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे स्थान जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं
सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, वन, या पेड़ पौधे जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों से बने हुए तंत्र को वन कहते हैं। वन में वृक्ष झाड़ियां और शाखाएं पाई जाती हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो विसर्पी और आरोही होते हैं। वन में अनेक आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। वन में कई तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे सागवान, शीशम, नीम, पीपल, चंदन आदि। और जो वन होते हैं वो सघन और घने होते हैं। अब जब ये सघन और घने होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अंधकार पाया जाता है, मतलब रोशनी कम पहुंचती है, क्योंकि सभी जो पौधों की, जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो एक क्या हो जाती है, एक आवरण सा बना देती है, जिस कारण से सूर्य से जो प्रकाश की किरण होती है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पर क्या होता है, अंधकार होता है। जो वन का वातावरण होता है बहुत ही शांत और शीतल होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये है जो पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों से बना हुआ तंत्र कैसे है। वन में पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों से ये कैसे बना हुआ है, आप सभी जानते हैं कि जो जीव जंतु हैं, जैसे शेर, हाथी, चीता, शुकर, हिरण, ये सब क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जंगलों में, वन में। तो इनकी जो भी आवश्यकता है, भोजन, पानी, ये उनको वही वन में प्राप्त होता है। और यदि हम उनका ये आवास छीन लें, मतलब वनों की कटाई कर दें, तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, ये भोजन के लिए कहाँ पे निकल आएंगे, जंगल के छोड़कर ये शहरी क्षेत्रों में आ जाएंगे। तो वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण जो सूर्य है वो क्या होगा, जो जंगल में जमीन पे जो है, तल है, जमीन पर नहीं पहुंच पाता, इस कारण वहां पर अंधेरा पाया जाता है। और जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, आ गया ना कि जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, या कह लें वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। आइए इसको समझते हैं कि कैसे कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां सड़ गल जाती हैं, वो गिर जाती हैं, जो मृत जीव होते हैं उनको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, तो वो भी और सड़ी गली जो पत्तियां हैं वो सभी कायमे मृदा में मिल जाती, मिट्टी में मिल जाती हैं, और उस मिट्टी को वो उपजाऊ बनाती हैं। और उसमें जो वनों में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें इन्हीं सब चीजों के कारण, सड़ी गली पत्तियों के कारण और जो मृत जीव हैं जिनको अपघटित कर दिया गया है, उन्हीं कार्बनिक पदार्थों के कारण वहां की मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है, इसलिए वहां की जो मिट्टी है वन की बहुत उपजाऊ होती है। तो आपने देखा होगा कि वन में ना तो कोई पेड़ पौधे लगाने जाता है और ना ही वहां पे कोई रोज पानी देता है। फिर ये पौधे वहां पर कैसे वृद्धि करते हैं, कहाँ से वो नए पौधे उगते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उससे वो किस कारण से होता, कभी इस चीज को आपने सोचा कि वहां पे वनों में नए पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं। ना तो आप वहां पे पौधे, हम यदि अपने घर में या गार्डन में लगाते हैं तो हम पौधे लाते हैं या बीज डालते हैं, फिर उस पेड़ पौधों की हम उचित देखभाल करते हैं, तब वो पौधे क्या बीज से पौधे बनते हैं। लेकिन जंगलों में तो हम नहीं जाते पेड़ पौधे लगाने, फिर वहां पर इतने नए पौधे कहाँ से उगाते हैं, कभी इस बारे में आपने विचार करा
हमने जब पिछला आपको पादप में जो रिप्रोडक्शन वाला प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें बताया था सीड डिस्पर्सल, बीज प्रकीर्णन की बात बताई थी। तो जंगलों में क्या होता है, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जानवर हैं, जैसे यदि बंदर आम खाता है और उस गुठली को यदि वो क्या करे, खाने के बाद वो गुठली फेंक देगा, है ना, तो उससे नए पौधे उगाते हैं। इसी प्रकार आपको बताया था जानवरों के शरीर में बीज चिपक कर दूसरी जगह जाते हैं, उनका भी जब उचित तो उनको परिस्थिति मिलती है तो वो नए पौधों में अंकुरित, उनके बीज अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। पॉलिनेशन के द्वारा कीटों के शरीर में जो परागकण के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। और क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमने आपको भौम जल बताया था पिछले पार्ट में, उस भौम जमीन के अंदर पानी का जो स्रोत होता है, जो जल होता है, उन्हीं के द्वारा इनको पेड़ पौधों को पानी मिलता है और ये वृद्धि और विकास करते हैं। मतलब एक पौधे से कई अनेक पौधे बनते जाते हैं, इस कारण जो वन होते हैं वहां पे पेड़ पौधों की अधिकता पाई जाती है और उसमें कई तरह के पौधे पाए जाते हैं। इसमें एक शब्द आया है कैनोपी, जिसको बोला है वितान। ये क्या है कैनोपी, क्या है? अभी हमने आपको बताया कि वन में अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेड़ पौधे होते हैं, है ना, कोई लंबा है, कोई छोटा है, अलग अलग ऊंचाई के पेड़ पौधे होते हैं। तो क्या होता है, जो अधिक ऊंचाई के पेड़ होते हैं वो नीचे क्या करते हैं, जो उसके कम ऊंचाई वाले पौधों को, पेड़ पौधों को वो ढक लेते हैं, ये कहलाता है कैनोपी। ये वाला चित्र देखिए, ये एक छत के छत जैसा बना लेते हैं, इनके नीचे कम ऊंचाई वाले जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो छुप जाते हैं, इसको बोलते हैं कैनोपी। एक शब्द कैनोपी को बोलते हैं हिंदी में वितान। क्या है वितान, कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की सतह जैसी दिखाई देती है, छत की तरह दिखाई दे रही है, देखिए इसे वितान या कैनोपी कहते हैं। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे वितान या कैनोपी कहते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि वितान या कैनोपी क्या है। अब हम देखेंगे कि वनों से हमें क्या क्या लाभ है। क्या क्या लाभ है वन से? सबसे पहले तो पेड़ों से हमको क्या मिलती है, छाया। क्या मिलता है और? खाद्य पदार्थ। जैसे फल, गोंद, है ना, और भी अन्य खाद्य पदार्थ भी हमको पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। और क्या मिलती है? औषधियां, वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से। इमारती लकड़ी,
जलाऊ लकड़ी, खाद्य पदार्थ में फल सब्जी अनाज ये सब आ जाएगा। तो वन से लाभ, मतलब वन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से आपको क्या क्या मिलता है, छाया मिलती है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, औषधियां मिलती हैं, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी। इमारती लकड़ी जो हम अपने जो घर में रह रहे हैं, यदि ये पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें ये लकड़ी, इमारती लकड़ी नहीं मिलती तो हम अपना घर कैसे बनाते, है ना। जलाऊ लकड़ी ईंधन, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। और सबसे बड़ी बात, आपको जो कॉपी किताब है ना, जिसमें कॉपी में लिखते हैं या ये किताबें बनी है, ये जो कागज, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो पेड़ देखिए कितने उपयोगी हैं, इनके बिना आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इनके बिना हमारा जीवन संभव है। ये वातावरण को संतुलित रखते हैं। प्राण वायु हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से। प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे। क्या करते हैं, वर्षा लाते हैं। कैसे लाते हैं वर्षा, बताइए। हमने पिछला पार्ट जल वाला पढ़ाया था आपको, उसमें हमने आपको जल चक्र बताया था। पेड़ पौधे वर्षा लाते हैं, उसमें हमने आपको जल चक्र बताया था। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो पानी है वो कहाँ जाता है, वायुमंडल में। फिर क्या होता है, ऊपर जाके संघनन क्रिया होती है, बादल बनते हैं, और वही पानी बारिश के वर्षा के रूप में वापस जमीन पर आता है। तो वर्षा लाने में कौन सहायक है, पेड़ पौधे। यदि ये नहीं हो तो वर्षा नहीं हो सकती। अब यदि सोचिए, यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा। अपरदन यानी जो मिट्टी है वो क्या होगी, अधिक बारिश और हवा के आने से क्या होगी, वो हवा यदि तेज चलेगी तो उड़ जाएगी, पानी अधिक आएगा तो क्या हो जाएगा, वो बह जाएगी। तो मिट्टी का अपरदन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो इनकी जो जड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं, बांधे रखती हैं, मिट्टी को जड़ें बांध कर रखती हैं, जिससे कि मृदा का अपरदन नहीं होता। अब हम देखें, यदि वन अपरोपण यानी वनों की यदि कटाई कर दी जाए तो क्या होगा, वन अपरोपण। यानी कि वनों की कटाई, तो राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि कुल भूमि में 33% वन आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो ये क्या हो गए, 20% बच रहे हैं, 20% जो क्षेत्र है वहां पर, जो भूमि 20% भूमि में ही वन है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति कह रही है 33% जो क्षेत्र है वो वन वन से घिरा होना चाहिए। लेकिन हमारी बढ़ती हुई आवश्यकता औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ये जो परसेंटेज 33 से कितना हो गया है, 20% पे आ गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। यदि वनों को काटा गया तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगा, सब में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जो उस प्रतिस्पर्धा में जीतेगा वही जीवित रहेगा, बाकी सब मर जाए। इसके बाद इसमें खाद्य जाल पड़ाएंगे
तब हम आपको उस चीज को स्पष्ट करेंगे। अब ये जो वन अपरोपण या वनों की कटाई, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो वन का क्षेत्रफल है उसमें कमी हो रही है, अब जब वन का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो पेड़ पौधे कम हो जाएंगे और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, कई पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे, जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे। तो वन का यदि क्षेत्रफल कम हो रहा होगा तो बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ठीक। वन्य प्राणियों की संख्या में कमी होगी, और क्या होगा, भूजल स्तर में क्या होगा, कम हो जाएगा, भूजल स्तर कम हो जाएगा। ये कैसे होगा, हमने बताया आपको, क्योंकि पौधे ही वर्षा लाने में सहायक होते हैं, जब बारिश ही नहीं होगी तो जो पानी का लेवल है क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो तापमान में वृद्धि होगी। आप सुनते होंगे ना ग्लोबल वार्मिंग, सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या होगा, तापमान में वृद्धि, ये कैसे होगी, वायुमंडल में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो हमारा वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यदि बहुत अधिक गर्म हो गया तो क्या होगा, जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। तापमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमको क्या होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, तापमान को नियंत्रित रखते हैं। कैसे रखते हैं, जब इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो क्या होगा, पानी निकलने से उसमें क्या आएगी, आर्द्रता, नमी आएगी, जिसके कारण वहां पर ठंडक महसूस होती है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, यदि वनों की कटाई हो जाएगी तो वर्षा में कमी होगी। यदि वर्षा कम हुई तो क्या होगा, तो फसल उत्पादन में भी इसका असर पड़ेगा। और जानवरों और पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो जाएंगे, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें एक तो वनों की कटाई पेड़ पौधों की करनी नहीं है, और यदि कहीं पर यदि ऐसी वाली स्थिति बनती है तो हमें नए पौधे लगाने हैं। आपने देखा होगा अभी जब ये रोड बन रही थी, कंस्ट्रक्शन आजकल जहां भी चढ़ते हैं तो ऐसी मशीनें आ गई हैं जहां पे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता है, उस मशीन के सहारे उस वृक्ष को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। आप लोगों ने भी अपने आसपास ऐसा देखा होगा। वन संरक्षण क्यों करना चाहिए, उससे पहले आइए हम आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में बता दें। खाद्य श्रृंखला है क्या, सभी जैसे आप सभी जानते हैं सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना, आपने शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी इनके बारे में पढ़ा होगा। अब ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
ये सूर्य है, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सहायक है। हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जो पत्तियां जिन क्लोरोफिल पाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन बनाती है, और इस क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये सूर्य है, ये है घास। इस घास को खाएगा कौन? ये घास क्या हो गई? उत्पादक है ना। सभी जो जीव हैं मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं? पेड़ पौधों से। इसको खाएगा टिड्डा, जिसको ग्रास ऑफर बोलते हैं। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डे को खाएगा मेंढक। मेंढक को खाएगा सांप, और सांप को अब यहां जगह कम है, को खाएगा मोर। इस तरह से ये चेन चलती है। ये है खाद्य श्रृंखला। पेड़ पौधे क्या हो गए? उत्पादक। ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय, ऐसे चेन। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया मोर ने। तो ये खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से चलती है। यदि हम इनमें से यदि एक किसी को भी अलग कर दें, तो बाकी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि हम टिड्डे को यहां से अलग कर दें, तो बाकी पीछे का जीवन खतरे में पड़ सकता है। और ये सभी किस पे निर्भर है? जो उत्पादक क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पर ही सभी निर्भर है। ये है खाद्य श्रृंखला। ऐसी जंगलों में कई खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनसे मिलकर की खाद्य जाल बनता है। तो यदि हम इनमें से यदि किसी को भी एक को हटाते हैं, तो बाकी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो सभी जो जीव हैं, वो किस पर निर्भर है? वन पर, पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधे नहीं है होते तो जीवन संभव नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं कि इनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है, इनको बचाना क्यों जरूरी है।
या वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, इनको बचाना इसलिए जरूरी है, यदि आप क्या करेंगे, यदि जीवों को सुरक्षित रखना है, पेड़ पौधों की जातियों को विलुप्त होने से बचाना है, जंतुओं को विलुप्त होने से बचाना है, तो वनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आपने लॉकडाउन के समय में देखा होगा या एनटीवी के तरफ कि देखा था कि तेंदुआ आ गया था, बस्ती में आ गया था, क्यों आया था, क्योंकि जंगलों की वहां पे जहाँ पे होगा कटाई हो गई थी, तो अपने भोजन के लिए कहाँ पे आ गया, शहर में। इसी प्रकार यदि वनों को सुरक्षित नहीं रखा गया तो जीव जंतुओं के जो आवास है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और वो शहरों की तरफ आ जाएंगे, जिससे भी मतलब उनको भी नुकसान होने का डर है और हम मनुष्यों को भी उनसे डर है। आपने देखा होगा यदि उनको बहुत सारे उस समय में वहां पे कुत्ते बकरियों का कम हो गए थे, तेंदुआ वहां पे एमपीबी के तरफ आया हुआ था, तो वहां पे वो वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोग सबने देखा होगा कि कुत्ते पर उसने अटैक करा, बकरी पर अटैक करा, तो उसका कारण ही ये है कि वहां जो किसी जंगल के कटने के कारण जो जंगली जानवर है वो रोड पर आ जाएंगे और दूसरे जानवरों पर वो हमला करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे, जिससे जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इन वन का संरक्षण करना बहुत जरूरी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वनों को काटने से बचा। और क्या करना चाहिए, नए वृक्ष लगाना चाहिए। हमारे यहाँ जो कदम संस्था है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू करा, सबको इसके लिए प्रेरित करा कि अपने जन्मदिन पर वो एक वृक्ष एक पौधा लगाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, तो क्या करना है, नए वृक्ष लगाना है। और क्या करना है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हेतु यदि वनों की कटाई को रोकना चाहिए। अब तो कानून भी बन गया है कि आप बिना अनुमति के कोई भी पेड़ पौधों को काट नहीं सकते। और क्या कर सकते हैं, सभी को वनों की सुरक्षा के लिए जागरूक करना, यदि हम इन सब उपायों को अपनाते हैं तो हम अपने वनों को बचा सकते हैं, यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। जैसे कहा भी गया है, जल जन जीवन जमीन जंगल, जल जन जीवन जमीन जंगल बचे रहे तो होगा मंगल। आपने महसूस करा होगा बच्चों कि लॉकडाउन के समय में हम तो अपने घर में थे और सुरक्षित थे, सबके बीच में भी थे, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा सा विचलित हुए थे, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता क्या हो गई थी, छिन गई थी, हम घर तक सीमित होकर रह गए थे। उसी प्रकार आप सोचिए यदि हम अपने घर में होते हुए भी हम स्वतंत्र नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि हमको बांध दिया गया है, कितने लंबे समय तक हम लॉकडाउन में अपने घर में रहे जबकि हम अपने सब लोगों के साथ में थे। यदि यही आप कल्पना करिए, यदि इन जीव जंतुओं का यदि हम आवास यानी जंगल खत्म कर दें तो उनको भी ऐसा ही महसूस होगा, क्योंकि उनको यदि हम पिंजड़े में रख दें,
या कुछ करते हैं तो उनकी भी स्वतंत्रता क्या होगी, छिन जाएगी। इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि पक्षियों को भी लोग नहीं पाल सकते। पहले नहीं तो देखा था कि तोते को पिंजड़े में, सभी लोग घरों सब घर में तोते होते थे, मैना होते थे, लोग सभी पालते थे। लेकिन आजकल उन सभी पर रोक लग गई है कि जब हम वैसा परतंत्र जीवन जीना, जब हम खुद स्वयं नहीं पसंद करते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी जीव जंतु को भी पिंजरे में रखें या उनकी स्वतंत्रता को छीने। तो आज जो हमारा टॉपिक था वन, ये आपको, और जो वन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? हम जो पेड़ पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है वो हम जीव जंतु ग्रहण करते हैं, और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ये चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसके द्वारा वातावरण कैसा रहता है, संतुलित। तो आप सभी लोग प्रण करिए कि आप अपने जन्मदिन पर एक नया पौधा लगाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज का अध्याय हमारा यही समाप्त।